अरे तुम्हें क्या हो गया मिंटू, तुम हंस क्यों रहे हो? देखो तो ये स्नेल कितना धीरे चल रहा है, ऐसे ये अपने घर कैसे पहुँचेगा? लेकिन साइज और स्पीड मैटर नहीं करती अगर आप में डिटर्मिनेशन है और आप कोशिश किए बिना हार नहीं मानते तो। लेकिन अगर आप प्राउड और ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आप रेस भी हार सकते हो। एक बड़े से जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे, बिग और स्मॉल। वहाँ एक खरगोश भी था जिसके बनी टीथ, सॉफ्ट फर और लंबे कान थे। उसे अपने ऊपर काफी प्राउड था। मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ कि कोई भी मुझसे कभी नहीं जीत सकता। एक दिन उसे एक छोटा सा कछुआ दिखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। खरगोश उस पर हंसा और कहा, देखो तो जरा तुम कितने स्लो और ड्राउजी हो। कछुए ने खरगोश पर ध्यान नहीं दिया और चलता रहा, लेकिन खरगोश ने कछुए का मजाक फिर उड़ाया। कम ऑन, मेरे साथ रेस लगाओ या फिर हार मान लो। कछुए ने खरगोश से कहा, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, चलो ठीक है, करते हैं दोनों रेस। जल्द ही इन दोनों की रेस की खबर पूरे जंगल में फैल गई और सारे जानवर ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि कौन जीतता है। तभी कछुए का एक दोस्त उससे कहता है, तुम खरगोश से रेस क्यों लगा रहे हो, कोई शक नहीं है कि वही जीतेगा। और फिर उसके एक दूसरे दोस्त ने कहा, हार मान लो इससे पहले कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। लेकिन कछुआ हार मानने को तैयार नहीं था। मुझे कम से कम कोशिश तो करने दो, ज्यादा से ज्यादा मैं हार ही तो जाऊंगा। खरगोश बहुत ही ज्यादा प्राउड और ओवर कॉन्फिडेंट था। दिखाओ हमें तुम कितना तेज दौड़ सकते हो, अरे नहीं चल सकते हो एक्चुअली। दूसरे जानवरों ने उन्हें चीयर किया और रेस शुरू हो गए। खरगोश ने जल्दी से दौड़ना शुरू किया और वो काफी दूर निकल गया। उसे धीरे धीरे आ रहा कछुआ नजर भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही खरगोश ने लंबा रास्ता तय कर लिया और कछुआ उसे दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। उसने कहा, इतनी मेहनत क्यों करनी, मैं तो वैसे भी जीत ही जाऊंगा, एक झपकी मार लेता हूँ। जल्द ही वो गहरी नींद में सो गया। वहीं दूसरी तरफ कछुए ने हार नहीं मानी थी। धीरे ही सही, लेकिन वो चलता जा रहा था और फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिनिशिंग लाइन पर सारे जानवर वेट कर रहे थे कि खरगोश ही सबसे पहले रेस फिनिश करेगा, लेकिन वो सब कछुए को देखकर काफी हैरान हो गए। ये सब देखकर वो कछुए का हौसला बढ़ाने लगे। ऐसे ही बढ़ते रहो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम फिनिश करने वाले हो। तभी खरगोश की नींद खुली। कछुआ तो नहीं दिख रहा, चलो अब मैं फिर से दौड़ता हूँ और रेस फिनिश कर लेता हूँ। लेकिन वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि कछुआ तो उससे पहले ही फिनिशिंग लाइन पर पहुँच गया है और रेस जीत गया है। ये नहीं हो सकता। खरगोश का घमंड चूर चूर हो गया। सारे जानवरों ने रेस जीतने पर कछुए को बधाई दी और खरगोश ये सब देखकर उदास हो गया। फिर कछुए ने खरगोश के पास जाकर कहा, किसी को भी अपनी काबिलियत पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, इस बात को याद रखना, हमेशा हम्बल बने रहो और अपनी पूरी कोशिश करने से पहले कभी हार मत मानो। अंत में खरगोश को ये लेसन मिला कि अगर मेहनत की जाए तो स्लो होने पर भी रेस को जीत सकते हैं। धीमे होने के बावजूद कछुए ने रेस जीती क्योंकि वो धुन का पक्का था और उसने हार नहीं मानी। सही कहा, स्लो होने के बाद भी वो रेस जीत गया। सब्सक्राइब।